Good afternoon, friends. My name is Dharmendra Chauhan, and I'm from Bihar. So first of all, I would like to thank to Civil Guruji who has given me that opportunity to say something about that. So अब हम लोग बात करेंगे कि sharpening point of test of bitumen क्या होता है. तो सबसे पहले इन सब चीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि bitumen होती क्या है. तो bitumen होती क्या है? It is a black viscous mixture of hydrocarbons obtained from petroleum distillation. इट इज यूज फॉर रोड सर्फेसिंग. कहने का मतलब है कि ये मेरा मतलब कि जब भी हम पेट्रोलियम वगैरह का इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और डिस्टिलेशन करते हैं उसका जब हमारा जो लास्ट में जो सिंपल वर्ड में बोलते हैं जो हमारा कचरा बचता है उस चीज़ को हम लोग बिटुमेन बोलते हैं. और बिटुमेन हम लोग यूज करते हैं रोड के सर्फेस वगैरह पर यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. और अब हम लोग देखेंगे कि जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमेन है हम लोग टेस्ट क्यों करते हैं. सबसे बड़ा रीजन तो ये है, जब हम लोग सरफेस पे डालेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मतलब कि हम जो बिटुमेन डालते हैं तो उसके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए. और सॉफ्टनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमको, सॉफ्टनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में हम लोगों को जाननी चाहिए जब हम लोग यूज करते हैं. तो जैसे कि आप लोग हम छोटी सी एक एग्जाम्पल देते हैं कि सॉफ्टनिंग टेस्ट हम लोग करते क्यों है. जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लखनऊ में है, तो लखनऊ का मान लीजिए हम लोग इंडिया में है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. और अब हम लोग लेकर चलते हैं कि जैसे कि लखनऊ में हमारा एवरेज टेम्परेचर है समर सीजन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें मतलब कि बिटुमिन का जो हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है. तो जैसे कि हम लोग ले लेते से मान लेते कि लखनऊ का 40 है, तो हम लोग को ये कोशिश करनी है कि जो मेरा बिटुमिन का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होगी 40 से ऊपर होनी चाहिए. अगर ऊपर नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा कि जब टेम्परेचर जैसे 40 आएगा या 40 से ऊपर जाएगा तो मेरा जो बिटुमिन होगा वो पिघल जाएगा. सॉफ्टनिंग कहने का मतलब क्या होता है कि पिघलना, कि पिघलता किस पॉइंट पे है. तो कोशिश करेंगे जब एवरेज मेरा 40 डिग्री टेम्परेचर है तो उससे ज़्यादा हम लोग रखेंगे कि मेरा सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा हो, ताकि हम लोग कार वगैरह गाड़ी चलाए तो मेरा सटे नहीं टायर्स वगैरह, नहीं तो रोड खराब हो जाएंगे. रीजन यही था हमको चेक करने के लिए. तब अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे सॉफ्टनिंग के लिए उसमें हमारे ऐपरेटस कौन कौन सा यूज होंगे, उसमें हम लोग मटेरियल कौन कौन सा यूज करेंगे. तो हम लोग एक मेरा आता है ग्लिसरॉल, ये जो मेरा लिक्विड होता है, और डेक्सट्रीन ये मेरा पाउडर फॉर्म में होता है, और बॉल सेंटर गाइड, टेपरेड रिंग, स्टील बॉल जिसका डाया होता है 9.5 mm और इसका वेट होता है 3.5 ग्राम, डिजिटल थर्मामीटर हम लोग लेते हैं, स्टॉपवॉच लेते हैं, रिंग बॉल लेते हैं, और टेम्परेचर रेगुलेटर जो सैंपल लेते हैं, जो कि हम लोग सैंपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो मेरा बिटुमेन हो जाता है. और जिसका हमारा जो टेम्परेचर होगा जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, और स्टीरर आता है और आइस आता है. हम लोग जितने भी नाम पड़े सबके यूजेज है, हम लोग आगे बात करेंगे एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूजेज क्या क्या है. आप इन सब के चीजों को देख सकते हैं जिस चीज के बारे में मैंने बात किया यहाँ पर, ग्लिसरॉल भी है यहाँ पर और एक पाउडर भी है, ठीक, जिसके बारे में बात कर रहे थे, डेक्सट्रिन, सारा मेरा इक्विपमेंट्स है, ये मेरा सैंपल है, ये आइस है, ये टेम्परेचर रेगुलेटर है, ये स्टीरर है. तो अब हम आगे देखते हैं कि हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपना परफॉर्म करेंगे. तो मेरा फर्स्ट स्टेप में आता क्या है कि प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड डेक्सट्रिन एंड पुट दिस ऑन अ नॉन पोरस सर्फेस. कहने का मतलब कि जो मेरा ये मेरा लिक्विड है ग्लिसरॉल एंड डेक्सट्रिन, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करते हैं और किसी नॉन पोरस सर्फेस, कहने का मतलब कोई कांच वगैरह का हो गया, कोई भी नॉन पोरस सर्फेस पे हम लोग लगाते हैं. लगाने का रीजन क्या है कि जब भी हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो बिटुमेन वहाँ पर सट जाएगा, छुड़ाने वड़ाने में दिक्कत होगी. आप वैसे कॉमन ऑयल वगैरह भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर. इसको अच्छे तरह से मिक्सिंग करने के बाद, लेपिंग कर देने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में. तो हमारा सेकेंड स्टेप में आता है जैसे कि आफ्टर दैट वी चेक द सैंपल टेम्परेचर एंड इट शुड बी 75 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर दैट वी फिल द बिटुमिन सैंपल एंड वी कीप इट फॉर 30 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर. जो कि हमने बात किया कि जो भी हमारे सैंपल का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और हम लोग इसको क्या करते हैं कि मेरा जो रिंग है उसको प्लेस करते हैं अपने सर्फेस में और बिटुमिन को एक जेंटल तरीका से उसमें फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम उसको 30 मिनट तक हमने अपने रूम के टेम्परेचर पर रखते हैं. रूम के टेम्परेचर कहने का मतलब कि हमारा रूम का टेम्परेचर जो होता है जैसे 27 प्लस माइनस
प्लस माइनस टू मतलब कि 29 तक जाएगा और नीचे आएगा तो 25 टेम्परेचर तक जाएगा। उतने टेम्परेचर में हम लोग 30 मिनट तक रखते हैं और रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेरा अगला स्टेप में क्या है, आफ्टर एंड आफ्टर कूलिंग फॉर 30 मिनट्स वी लेवल द मटेरियल इन द रिंग बाय रिमूविंग द एक्सेस विद वार्म शार्प नाइफ एंड वी फिक्स टेपर्ड रिंग अराउंड रिंग बॉल फिल्ड विद बिटुमिन इन द बीकर और बात भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि जब 30 मिनट हम लोग कूलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर का जो इसका सरफेस को हम लोग लेवल करते हैं। तो लेवल कैसे करते हैं, गर्म सा नाइफ लेते हैं, ठीक, नाइफ को गर्म कर देते हैं, गर्म करके उसको लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद उसको अच्छे से हम लोग फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जो कि मेरा रिंग है, रिंग से फिक्स करके वो हम लोग बीकर या बात भी बोल सकते हैं उसके अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगला स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, जो मेरा अगला स्टेप है, आफ्टर पुटिंग दैट अपैरेटस विद द रिंग फिल द बीकर और बाथ टू अ हाइट ऑफ 50 mm अबव द अपर सरफेस ऑफ द रिंग विद फ्रेशली बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर एंड मेंटेन द बाथ अ टेम्परेचर ऑफ 5 centigrade फॉर 15 मिनट। कहने का मतलब यह है कि जब हम प्लेस किए अपने बाथ में और बीकर में जो मेरा जो सैंपल था उसको प्लेस किए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग वाटर का लेवल रखेंगे जो मेरा रिंग से है उससे 50 mm मेरा ज्यादा होना चाहिए, ऊपर तक रखेंगे, ठीक। उसको रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि जो मेरा पानी का जो टेम्परेचर है उसको 5 degree centigrade तक हम लोग बैलेंस करके रखेंगे विद द हेल्प ऑफ आइस, क्योंकि पानी आइस से हम लोग पानी को बैलेंस करके रखेंगे और वहां पे हम लोग थर्मोमीटर लगाकर चेक करते रहेंगे कि हाँ मेरा मतलब जो पानी का टेम्परेचर वो बैलेंस है कि नहीं, ठीक। तो उसे हम लोग बैलेंस करते हैं और देखते हैं। और हम लोग यहीं पर हमारा जो स्टॉपवॉच का काम आता है, थर्मोमीटर का यहां पर भी काम आता है, ठीक। तो उसके बाद देखेंगे कि हम लोग एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई हीट टू द बाथ ऑफ ब्रिक एंड स्टीरर द लिक्विड सो दैट द टेम्परेचर राइजेज एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 degree टेम्परेचर प्लस माइनस 5 degree centigrade पर मिनट until the material softness and allowed to ball pass through the ring। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम 15 मिनट 5 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके हीट रेगुलेटर पर उसी जो मेरा बात है या बीकर भी बोल सकते हो उसके हीट रेगुलेटर पर रखते हैं। रेगुलेटर कहने का मतलब क्या है कि रेगुलेट करना हीट को, जितना हम दे सके जिस तरह का हम रेट देंगे हीट का उसे काम करें। तो हीट को वहां पर प्लेस कर दिए हीट रेगुलेटर पे हम लोग अपने बीकर को प्लेस कर दिए और वहां पर हम लोग ऐसे फिट करते हैं कि जो मेरा टेम्परेचर हो 5 degree centigrade पर मिनट के हिसाब से बढ़े, वैसे हम लोग ऐसे सेट करते हैं कि वैसे सेट करते हैं जैसे कि हम लोग क्या करें, पहले से हम लोग 5 degree centigrade पर पिछला बार किया था 15 मिनट रखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाए पर मिनट के हिसाब से और हम लोग रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने का मतलब कि जैसे कि 1 मिनट में मेरा क्या होना चाहिए, जैसे कि पहले तो 5 था तो 1 मिनट बाद मेरा होना चाहिए जो मेरा पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 10 centigrade होना चाहिए, 2 मिनट बाद 15, 3 मिनट बाद 20, ऐसे हम लोग रीडिंग देखते रहते हैं कि हाँ मेरा सही से चल रहा है कि नहीं। और जो मेरा इसको करने के बाद हम लोग देखेंगे ऐसा पॉइंट आएगा कि जैसे कि मेरा जो क्या होगा हीट देने के बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आफ्टर दैट नाउ इट्स अबाउट टू रीच द सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड द फर्स्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट इज 50.2 degree centigrade। जैसे कि मेरा 50 से ऊपर जैसा जाता है तो हमको मिलता है कि हाँ अब मेरा सॉफ्टनिंग पॉइंट का टाइम आ गया है। सॉफ्टनिंग पॉइंट का टाइम का मतलब कि हमारा जो बिटुमिन है अब पिघलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम देखा कि जो मेरा जैसे कि पिघला और जैसे पहला मेरा गिरा नीचे जो पिघल कर नीचे गिरा, तो हम लोग रेटिंग नोट किया कि मेरा पहला हुआ जो 50.2 degree centigrade पे हमारा पहला मतलब पिघल गया। अब हम इसको देखें कि ये मेरा कब गिरता है, तो ये मेरा रीडिंग हम आगे देखें कि मतलब क्या, एंड आफ्टर दैट सेकेंड बॉल रीडिंग इज 50.8 degree centigrade एंड वी विल गेट द एवरेज पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट एंड दैट पॉइंट वुड बी सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। तो दूसरा मेरा क्या हुआ कि दूसरा जो बॉल में मेरा बिटुमिन था वो 50.8 degree centigrade पे पिघल कर गिर गया। अब हम लोग क्या कहें, पहला वाला रीडिंग और दूसरा वाले रीडिंग का एवरेज निकाले, और एवरेज निकालने के बाद कुछ कैलकुलेशन पॉइंट है। पहला वाला रीडिंग क्या आया था मेरा 50.2 degree centigrade और दूसरा क्या है 50.8 degree centigrade, दोनों का एवरेज लेंगे और हम देखेंगे कि जो मेरा विटामिन है
50.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो हम लोग जब भी अब हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, रोड को बनाएंगे, तो हम लोग इसको ऐसे जगह पर बनाएंगे जहां पर टेम्परेचर 50.5 डिग्री के सरप्लस नहीं जाए, उससे नीचे रहे, 48-47 इतने तक रहे, वहां तक हमारा ये बिटुमिन सही है। तो मेरा मेन एम था बिटुमिन का टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो पिघलता किस पॉइंट पे है, इसलिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म किए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट, देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now.